फ्रेंड्स, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने क्वालिटी और अपने गुण के दम पर ही आगे बढ़ सकते हैं। किसी से किया हुआ, कॉपी किया हुआ काम हमें ज़्यादा ऊंचाई तक लेके नहीं जाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, छोटी सी कहानी है पर सीख बहुत बड़ी देती है। एक बार की बात है, एक मधुमक्खी होती है, वो हमेशा शहद इकट्ठा करती है और एक इंसान आता है, उस शहद को चुरा के ले जाता है। सामने वाले पेड़ पर बैठी चिड़िया ये नज़ारा हमेशा देखती है तो वो मधुमक्खी से कहती है कि बहन, तुम गुस्सा नहीं होती क्या? ये इंसान आता है, तुम्हारा शहद चुरा के ले जाता है। इस पर मधुमक्खी बहुत ही सुंदर जवाब देती है कि नहीं, मुझे गुस्सा कभी नहीं आता है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा शहद चुरा के ले जा रहा है। मैं शहद को इकट्ठा कैसे करी, वो क्वालिटी सिर्फ मेरे पास है, उसको ये नहीं चुरा पा रहा है। ये इंसान सिर्फ मेरे काम को कॉपी कर रहा है, मतलब उसकी क्वालिटी को नहीं ले पा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम भी अपने जीवन में अगर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने खुद के गुण, अपने खुद के क्वालिटी पे आगे जा सकते हैं, किसी के द्वारा किए हुए काम को कॉपी करके नहीं। कॉपी किया हुआ तो फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए होता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जीवन में धैर्य और गुण और आपके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। भगवान ने हर एक इंसान को कुछ ना कुछ क्वालिटी जरूर दी है, ज़रूरत है तो सिर्फ उसको पहचानने की। दोस्तों, अपनी क्वालिटी को पहचानिए और आगे बढ़िए और हमेशा अपने जीवन में खुश रहिए। कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सोच के साथ में और एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।